नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। ऑफिस दोस्तों, आप सभी के बीच आज हुई लेटेस्ट अपडेट के साथ में बड़ी अपडेट देखने के मिली 69,000 को लेकर। एक तरफ दोस्तों नियुक्ति पत्र की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार दोस्तों अगर बात करें 69,000 को रोकने की भी तैयारी मैं कहूँगा दोस्तों की जा रही है। कभी ओवरलैपिंग, कभी EWS, कभी दोस्तों उत्तर कुंजी, तो कभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर अर्जेंसी पेयर फाइल की गई है दोस्तों शिक्षा मित्रों की तरफ से। मामला क्या है मैं आप सभी को बता दूँ। मामला सिंपल सा, 69,000 के अंदर वो चाहते हैं कि 37,339 पदों को छोड़ करके बाकी पदों पर भर्ती कर ली जाए और जो 8,000 शिक्षा मित्र पास है उनको भी इसके अंदर ले लिया जाए। तो बाकी बचेगा क्या, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। साथ में आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी, सुनवाई होने के बाद से दोस्तों वहां पर रिमेनिंग शब्द को लेकर काफी समस्याएं देखने को मिली। सरकार की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन उनके दोस्तों कार्य को देखकर कि इतना पता लग रहा है कि वो भर्ती कराना चाहती है और भर्ती जल्दी से जल्दी पूरा होनी भी चाहिए। 69,000 को लेकर यहां बात की जाए, ऐसे में शिक्षा मित्रों की तरफ से दोबारा से दोस्तों एजेंसी एप्लीकेशन फाइल की गई। मैं आपसे यहां पे दिखा देना चाहता हूं, जिसके अंदर उनका कहना है कि 69,000 भर्ती को इसी तरीके से चलने दिया जाए, लेकिन जितने शिक्षा मित्र इस समय दोस्तों जो 69,000 के अंदर शामिल है वो पास हुए या नहीं है। पहले तो पास होने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ डाटा मांगा गया, उनका कहना है कि 40-45 कितने पास हैं, लेकिन इनका यहां पर कहना है कि जो 8,000 शिक्षा मित्र पास उनको निकाल करके 37,339 पदों को होल्ड पर रख करके बाकी भर्ती करा देनी चाहिए, ऐसा इनका यहां पे कहना है। तो ऐसे में आप सभी समझ सकते हैं, यहां पे आपको पेयर नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा, डायरी नंबर दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं अगर नीचे दोस्तों आप सभी आगे के देखेंगे तो नीचे आपको देखने के ATI 2019 की बात की जा रही है। और साथ में आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर दोस्तों कुछ मांगे रखी गई, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहली मांग तो यही कि 37,339 लोगों को यहाँ पर होल्ड लगाने की बात की। साथ में अगर ऑप्शन नंबर बी पर देखेंगे तो उसके अंदर दोस्तों यहाँ लिखा है या तो कोई अंतिम आदेश दे दिया या फिर दोस्तों प्रोसेस के ऊपर स्टे लगा दिया जाए, ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे की गई है, उनकी तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर की दोस्तों मांग की जो कि इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल ठीक देखने के लिए मिले। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देखेंगे 26/5/2020 आप सभी के सामने फिल्ड दोस्तों 29/5/2020 मतलब आज की डेट के अंदर यहाँ पे फिल किया गया दोबारा से शिक्षा मित्रों की तरफ से, मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के दोस्तों जो डाल दिया गया, दोबारा से दोस्तों आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में आपको देखने के मिलेगा, लेकिन फिर से शिक्षा मित्रों की तरफ से जो मांगे वो रखी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद से सरकार की तरफ से भी दोस्तों अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। साथ में ऑर्डर के अंदर ये लिखा हुआ था कि असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर जो शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए, लेकिन एज ए शिक्षा मित्र कोई भी असिस्टेंट टीचर नहीं है। इस चीज़ को दोस्तों वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया गया सरकार के अधिवक्ताओं की तरफ से, कोई ज़्यादा लंबी बहस भी देखने के लिए नहीं मिली, जिस वजह से दोस्तों ऑर्डर कुछ डिफरेंट आप सभी को देखने के मिला है। अब दोबारा से शिक्षा मित्र दोस्तों वहाँ पर गए हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा आपको फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। बाकी पदों में भर्ती करने की मांग की जाए उनकी तरफ से, बचे हुए लगभग अगर बात करें 45,000 पदों को यहाँ पर उनका कहना है कि निकाल दिया जाए, बाकी वो भर्ती देखने मिले, जो कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर आप सभी फिलहाल परेशान मत होइए। सिर्फ अभी पेयर डाली गई है, सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद क्या देखने को मिलेगा तब तक आप सभी इंतजार करें। तो 69,000 के अंदर क्या क्या होना है अभी दोस्तों देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है रोज एक नया मोड इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन फिलहाल आप सभी को पता है सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो नियुक्ति की है, तो फिलहाल दोस्तों आप सभी इतना परेशान मत होइए। जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।